हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 रे ऑप्टिक्स का। और इसके अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दृष्टि दोष, ठीक है। और दृष्टि दोष कंप्लीट होने के साथ में अपना ये जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में रे ऑप्टिक्स की कुछ अपन अच्छी जो प्रॉब्लम्स है वो भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी माइनर के अंदर आपका जो वेव ऑप्टिक्स यानी जो तरंग प्रकाशिकी है वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष देखो, सुनो भी, कोई भी जो आंख होती है उसका जो एक तो होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट होता है। तो नियर पॉइंट तो कहां पर होता है बताओ? 25 सेंटीमीटर पर होता है। और जो फार पॉइंट होता है वो कहां पे होता है? अनंत पर होता है। यानी स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो तो कितनी होती है बताओ? 25 सेंटीमीटर। और स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। अब अगर नियर पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाए या फार पॉइंट है वो पास में शिफ्ट हो जाए तो अपनी जो आंख है वो सामान्य नहीं रहती है। यानी इसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, कोई दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो देखना, जैसे देखो एक जो स्वस्थ आंख है इसका एक तो होता है निकट बिंदु, ये तो होता है 25 सेंटीमीटर पर, और एक होता है दूर बिंदु, ये होता है अनंत पर होता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज अगर 25 से पास में रखी हुई है तो दिखाई नहीं देगी, और अनंत से आगे रखी हुई है तो वो दिखाई नहीं देती है। यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक अपनी जो दृष्टि परास होती है, यानी आंख की जो परास होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होती है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के इसलिए ये अपनी आंख है, ठीक है, और ये तो आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से नियर पॉइंट, और इस प्रकार से दूर की तरफ जाएंगे तो अनंत पर, ये आपके पास से क्या देगा इस प्रकार से फार पॉइंट हो जाएगा, ये अनंत पर होता है, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अगर इसका जो नियर पॉइंट है वो अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से आगे यानी 50 सेंटीमीटर तक कोई नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। इसको पास की चीजें दिखाई नहीं देती है। अब ध्यान से देखना, देखो एक तो ये दृष्टि दोष होता है, तो इस स्थिति में इसको पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, इसको दूर की चीजें दिखाई देती है, तो इसको अपन बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। और एक ध्यान से देखना, इसका जो फार पॉइंट है वो इस प्रकार से पास में शिफ्ट हो जाए तो इस आदमी को पास की चीजें तो अच्छे से दिखाई देती है बट इसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो इसको पास की चीजें दिखाई दे रही है तो इसको अपन बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये तो हो जाएगा आपके पास है निकट दृष्टि दोष, इसको अपन बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। समझ गए बात को आप? तो दूर दृष्टि दोष के अंदर जो नियर पॉइंट होता है वो कहां पर चला जाता है बताओ? दूर चला जाता है। और निकट दृष्टि दोष के अंदर जो फार पॉइंट होता है वो कहां पर आ जाता है? पास में आ जाता है। तो जो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष है, इस दूर दृष्टि दोष के अंदर दूर की चीजें तो साफ दिखाई देती है, इसके अंदर जो दूर की चीजें हैं वो तो दिखाई देती है लेकिन जो पास की चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती। और निकट दृष्टि दोष है, इसमें जो पास की चीजें हैं वो तो दिखाई देती है लेकिन इसके अंदर जो दूर की चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है भी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको अपन बोलते हैं मायोपिया। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष, और इस निकट दृष्टि दोष को अपन क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बताओ निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पास की चीजें हैं
ये तो दिखाई देती है लेकिन इसके अंदर दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। अब दूर की चीजें दिखाई नहीं क्यों नहीं देती, क्योंकि इसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर नहीं रहता है, वो कहां पर आ जाता है, वो पास पे आ जाता है। ठीक है भाई। और होता क्या है देवदान से, इसके अंदर पास की चीजें तो दिखाई देती, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में आंख है, ये इसका लेंस हो गया, तो इसके अंदर जो पास की चीजें हैं, जैसे मान के चलेगा यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से पर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकाश से ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरण यहां पर जाकर के फोकस हो रही है, यानी जो पास में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका अंतिम प्रतिबिंब तो कहां पर बनता है, रेटिना पर बन रहा है। इसका मतलब ये वाली चीज तो इसको साफ साफ दिखाई दे रही है। बट देवदान से जैसे मान के चलेगा ये आंख हो गई, ये इस आंख का लेंस हो गया, ठीक है, अगर मान के चलिएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है भाई, दूर है, तो अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो इस आने वाली प्रकाश की किरणें कैसे लेंगे अपन, समांतर लेंगे, तो ये समांतर होगी, तो इस दूर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें वो इस प्रकार से इस रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, ठीक है ना। और इस कारण से तो इमेज अगर यहां पर बन जाएगी तो क्या ये चीज इसको साफ दिखाई दे रही है, क्या नहीं दे रही है। इस दृष्टि दोष को अपन बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इस दृष्टि दोष का अपन निवारण कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, इस दृष्टि दोष का निवारण अपन इस प्रकार से करते हैं कि ये अपने पास में आंख है, ये आंख का लेंस हो गया, पास की चीजों को देखने के लिए तो लेंस की चश्मे की जरूरत नहीं है, बट इस प्रकार से दूर की जो चीजें हैं इनको देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, अगर चश्मा नहीं पहनोगे तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें यहां पर जाकर के फोकस हो जाएगी, यहां पर इमेज बन जाएगी, बट आपको जो इमेज है वो कहां पे बनानी, रेटिना पे बनानी, यानी इसका मतलब यह कि प्रकाश की किरणों को आपको अभिसारित करना पड़ेगा, अभिसारित नहीं सॉरी अपसारित करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो इनको फैलाने के लिए अपन क्या करते हैं, कौन सा लेंस काम में लेते हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए ये वाला जो लेंस होता है, ये वाला लेंस काम में लिया जाता है, ठीक है ना। और इस वाले लेंस को अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस है, इसके द्वारा इसका अपन क्या करते हैं, उपचार करते हैं। अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा अगर आप पहनोगे तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें अभिसारित हो जाएगी, और अभिसारित होकर के इस प्रकार से यहां पर आपकी जो फाइनल इमेज है वो बन जाएगी, समझ गए। अब वास्तव में यहां पे हो क्या रहा है, जैसे मान के चलेगा ये तो अपनी आंख हो गई, ठीक है, और इस आंख के सामने मैंने इस प्रकार से ये कोई अवतल लेंस लगा दिया है, ठीक है भाई। तो अवतल लेंस लगा दिया तो होता क्या है कि पहले तो इसका ध्यान से देखना, तो इसका जो फार पॉइंट, इसका जो नियर पॉइंट है भाई, इसको पास की चीजें तो इसको बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है, इसको दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो इसका ये फार पॉइंट है वो यहां पर हो गया, यानी इससे आगे की चीजें इसको साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, बट मेरे को तो अनंत पर रखी हुई जो चीज है वो चीज भी देखनी है। तो अनंत पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इमेज ये कहां पर बना देता है, ये लेंस से ये फार पॉइंट पर बना देता है, समझ गए भाई। अगर आप चश्मा नहीं पहनोगे तो इस स्थिति में जो फार पॉइंट से आगे का ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब यदि आपने चश्मा पहन लिया तो इस स्थिति में फार पॉइंट से आगे का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहां पर बन जाएगी बताओ, इस फार पॉइंट पर बन जाएगी, समझ गए। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन जानते हैं कि पी बराबर कितना होता है आपके पास, 1/f बराबर कितना होता है आपके पास, 1/v माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, 1/u हो जाएगा। यहां से अपन लिख देंगे पी बराबर, इसको अपन लिख देंगे 1/
एफ बराबर 1/v। v क्या होता है अभी, इमेज, इमेज कहाँ पर बनती है बताओ, फार पॉइंट पर। तो इमेज तो बनती है फार पॉइंट पर बनती है। माइनस 1/u, u कहाँ पर हो जाएगा बताओ, अनंत पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, अनंत पर। और 1/अनंत कितना देगा आपके पास, 0 देगा। तो इसकी सहायता से आपको डायोप्टर में चश्मे की जो शक्ति है वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, चश्मे का जो लेंस है उसकी पावर आपको प्राप्त हो जाएगी, चश्मे का नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा भाई। तो ये तो हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, नोट करें इसको आप। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष के बाद में अगली चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, दूर दृष्टि दोष। ये क्या होता है देखो ध्यान से, तो दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ठीक है भाई। तो दूरदर्शी दोष के अंदर आपको पता है कि जो दूर की चीज है वो तो साफ साफ दिखाई देती है, बट इसके अंदर जो पास की चीज होती है वो साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। क्यों दिखाई नहीं देती, क्योंकि ध्यान से देखना, इसका जो निकट बिंदु होता है, इसका जो निकट बिंदु है वो निकट बिंदु कहाँ पर चला जाता है बच्चों, ये दूर चला जाता है। समझ गए बात को आप। तो अब सुनो ध्यान से, देखो होता क्या है कि जैसे मतलब ये आंख है और ये अपनी आंख का लेंस हो गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं दूर की चीज, अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो दूर स्थित है तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो इसकी जो इमेज है वो तो बिल्कुल कहाँ पर बन जाती है, इस प्रकार से फोकस पर बन जाती है। यहां पर क्या बन जाएगी, इस प्रकार से इमेज बन जाएगी। तो दूर की चीज को देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर स्थित है, पास में स्थित है, तो पास में स्थित है तो मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें चलती है, और फिर उसके बाद दोबारा से ये जो प्रकाश की किरणें ये इस प्रकार से अभिसरित होकर के यहां पर इस रेटिना से पीछे बनती है, यहां पर इमेज बनती है। तो इसका मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट की अपन साफ इमेज देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये लेंस वो प्रॉपरली कौन सा काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों का जो अभिसरण है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस लेंस का अपने को एक असिस्टेंट लेंस अपने को और काम में लेना पड़ेगा। वो असिस्टेंट लेंस कौन सा होगा बताओ, अभिसारी लेंस ही होगा, उत्तल लेंस होगा। वो क्या करेगा, अपनी आंख के लेंस का सपोर्ट करेगा। तो देखिएगा ध्यान से, देखो ये अपनी आंख का लेंस हो गया, पास में इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अपन चश्मा नहीं पहनेंगे तब तो आपको पता कि इमेज है वो इस रेटिना के पीछे बनने वाली है, बट अपन क्या करते हैं इस प्रकार से चश्मा पहन लेते हैं, और चश्मा कौन से लेंस का बनाएंगे अपन, उत्तल लेंस का, क्योंकि अपने को अभिसारण करवाना है। तो ये वाला कौन सा लेंस हो जाएगा, इस प्रकार से उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की शक्ति आपको पता है पी बराबर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो प्लस के नंबर का चश्मा लगाते हैं और पहले वाले में माइनस के नंबर का चश्मा लगता है, क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में से अब ये जो लेंस है ये क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉपरली अभिसारित कर देता है। यहाँ पर क्या बन जाएगी आपके पास, इस प्रकार से इमेज बन जाएगी, समझ गए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर प्रॉपरली इस प्रकार से इमेज बन जाती है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये लेंस करता क्या है, बेसिकली लेंस का काम क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपने इस प्रकार से आँख हो गई, ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अपना नियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना।
अब दूर की चीज़ें देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, पास की चीज़ें ये देख पा रहे हैं। तो नियर पॉइंट से पास में, भाई नियर पॉइंट से आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो तो साफ साफ दिख जाएगा, बट नियर पॉइंट से पहले यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकता, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से एक ये लेंस रख देता हूँ। ये मैंने इस प्रकार से एक लेंस रख दिया, और लेंस अगर रख दूंगा तो ये लेंस क्या करेगा, अभी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पर बना देगा, इस प्रकार से यहाँ पर बना देगा, यहाँ पर इस प्रकार से इमेज बना देगा, ठीक है ना। और जैसे अपने को ये बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। तो अपन जानते हैं कि पी बराबर कितना होता है आपके पास, बताओ, 1/f बराबर कितना होता है आपके पास, 1/v माइनस क्या देगा आपके पास, 1/u। तो यहाँ से अपन लिख देंगे पी बराबर कितना देगा आपके पास, 1/f बराबर क्या देगा आपके पास, 1/v। अब आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है बताओ, नियर पॉइंट पर, ठीक है ना। और माइनस इमेज कहाँ पर बनती है, भी इमेज बनती है 25 सेंटीमीटर पर, कहाँ पर बनती है, 25 सेंटीमीटर पर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी ये हो जाएगा आपके पास डी, ओके। और माइनस का 1/, यहाँ पर आपका जो यू है वो यू बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यू देगा आपके पास में नियर पॉइंट हो जाएगा, समझ गए। नियर पॉइंट किसका, इस आदमी का, स्वस्थ मनुष्य का नियर पॉइंट तो कहाँ पर होता है, 25 पर होता है, उसको तो चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है। बट यदि किसी का नियर पॉइंट है वही 1 मीटर पर चला गया, तो इसका मतलब 0 से लेके 1 मीटर तक उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। अब 1 मीटर से पहले कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है तो वो वाली चीज़ तो इसको दिखाई देती नहीं है। तो उस चीज़ को अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, देखो कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसके नियर पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं, ये इसका नियर पॉइंट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, इसके चश्मे का नंबर है वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा डायोप्टर में, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से देखो, अगर आपको कोई ऐसे बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 1 मीटर से पहले रखी हुई किसी भी चीज़ को नहीं देख सकता, यानी व्यक्ति का जो नियर पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया, अभी 1 मीटर पे आ गया है, तो सबसे पहले बताओ इसका दृष्ट, इसका जो कौन सा दृष्टि दोष होगा, इसको क्वेश्चन अपन करते हैं ध्यान से। कोई भी एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के लिए ध्यान से देखना, देखो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आंख से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर 1 मीटर से कम है, तो इस स्थिति में ये देख पाता है क्या, इस स्थिति में इन चीजों को ये साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इसके चश्मे का नंबर आपको बताना है, अभी इसकी पावर है वो आपको बतानी है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, ये तो आप समझ गए, व्यक्ति है इसके लिए यदि यू का मान 1 मीटर से कम है, सॉरी हाँ, यू का मान अगर 1 मीटर से कम है तो ये इसको बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाता है, यानी 1 मीटर से पहले रखी हुई चीज़ों को नहीं देख पाता है, यानी पास की चीज़ें इसको दिखाई नहीं देती है, और पास की चीज़ें अगर दिखाई नहीं देती मतलब दूर की चीज़ें दिखाई देती है, तो इसको अपन बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। तो इसको दृष्टि दोष कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास दूर, ये आपके पास है दृष्टि, और ये दोष हो गया, ठीक है। ये इसकी आंख हो गई, इसको अपन बोलते हैं आई। और अब जो ध्यान से 1 मीटर, तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा भाई, नियर पॉइंट हो गया। अब 1 मीटर से पहले की चीजें इसको दिख नहीं रही है, तो 1 मीटर से पहले की ये चीज होगी, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट को ये कहां पे भाई, मतलब मैं कहां पे रखता हूं, मैं रखता हूं इसको 25 सेंटीमीटर पर, मैंने इसको 25 सेंटीमीटर पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है ये कहाँ पर बना देगा, इस प्रकार से नियर पॉइंट पर बना देगा। तो इस ये जो लेंस है, ये वाला लेंस मेरे को, इसकी पावर मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1/f बराबर 1/v, वी क्या होती है इमेज, तो इमेज कहाँ पर बनती है, नियर पॉइंट पर बनती है, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश तो चलता है इस प्रकार से इधर की तरफ, और यहाँ से जो डिस्टेंस अगर अपन मापेंगे तो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, तो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, नियर पॉइंट पर बनती है। तो नियर पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, अभी 1 मीटर पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 1/, ये आपके पास 1 हो गया माइनस का, समझ में आ गई बात है, ये चीज हो गई। इसके बाद सुनो भाई, और इसके बाद में माइनस का 1/u, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 0.25 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस बन जाएगा,
ये 1/0.25 तो कितना देगा, 4 4 - 1 कितना देगा आपके पास है 3। तो इसके चश्मे का नंबर क्या देगा आपके पास है प्लस का 3 डायोप्टर। तो अगर किसी भी आदमी के चश्मे का नंबर कितना भी प्लस का 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 मीटर से पहले रखी हुई चीज़ों को साफ साफ नहीं देख सकता, 1 मीटर के बाद में रखी हुई जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी दूर की जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास के अंदर बैठ करके, अगर जैसे किसी टीचर का लेक्चर अगर अटेंड कर रहा है, फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस स्थिति में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जब वो किताब पढ़ता है तो इस स्थिति में किताब को बिल्कुल अपन पास में रख के पढ़ते हैं तो उसको बुक पढ़ने में दिक्कत होगी, किताब पढ़ने में दिक्कत होगी। इसका मतलब उसको कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। इसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का नंबर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये तो दो दृष्टि दोष हैं, यही अपने ऑप्टिक्स के अंदर काम आते हैं। बाकी एक जैसे मतलब जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष के अंदर न तो पास की चीज़ साफ दिखाई देती है और न दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है। फार पॉइंट होता है वो भी अनंत से पास में आ जाता है और जो नियर पॉइंट होता है वो भी 25 से आगे शिफ्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में इसके लिए जो डबल लेंस होता है वो काम में लिया जाता है, बाईफोकस लेंस काम में लिया जाता है, ठीक है ना, द्विफोकसी लेंस काम में लिया जाता है, जिसके अंदर लेंस है इसके अंदर नीचे नीचे का जो भाग, इसके अंदर तो अपन एक टुकड़ा फंसा देते हैं, वो वाला टुकड़ा तो पास की चीज़ों को देखने के लिए होता है, ठीक है ना, और ऊपर का जो लेंस होता है वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है। ऐसा अक्सर बुढ़ापे में देखा जाता है, ज़्यादा एज के जो व्यक्ति होते हैं उनका चश्मा आपने देखा होगा, अगर लेंस आप देखोगे तो एक ही लेंस के अंदर आपको दो लेंस लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है भी। और एक जैसे मोतियाबिंद वगैरह होता है, इस मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, अपनी आँख का जो लेंस होता है इसकी जो ओपेसिटी होती है, इसकी पारदर्शिता होती है, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है ना, ये बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं। और एक क्या होता है, अभी एक होता है वर्णांता होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो क्या होती है, जेनेटिक डिजीज होती है, ये भी आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात है, तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, इसी के साथ में रेऑप्टिक्स का अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बिल्कुल फिनिश होता है। तो रेऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको परावर्तन पढ़ाया, समतल सतह से परावर्तन यानी समतल दर्पण पढ़ाया, इसके बाद में गोलीय सतह से परावर्तन यानी मैंने आपको गोलीय दर्पण पढ़ाया, फिर उसके बाद अपवर्तन पढ़ा, समतल सतह से अपवर्तन यानी इसके अंदर अपने कांच की पट्टिका पढ़ी, इसके अंदर अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, इसके अंदर अपने प्रिज्म पढ़ा, और उसके बाद में गोलीय सतह से अपवर्तन ये अपने पढ़ा, इसके अंदर अपने लेंस भी पढ़ा, और लेंस की अपने कई सारी चीज़ें अपने पढ़ी, और लेंस की सहायता से और दर्पण की सहायता से अपने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बनाए, और उसके बाद में दृष्टि दोष मैंने आपको पढ़ाए, चैप्टर हो गया आपका फिनिश, ठीक है। और इसके बाद भी इस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, तो एक बार इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लें भाई, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको ऑप्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो लेंस और दर्पण के अंदर मैंने आपको बताई नहीं वो बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो एक तो बात ये है कि कोई भी जो लेंस है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो आसपास के माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करती है, पर कोई भी जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी हमेशा R/2 के बराबर होती है, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, ये तो एक जनरल सी बात है। और बाकी ध्यान से देखना, तो अपवर्तनांक होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है भाई, अपवर्तनांक कलर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था विबग्योर में वी से लेकर आर तक लेमडा बढ़ता है तो म्यू का मान क्या होता है, घटता है, ये बातें अपनी हो चुकी है। अब सुनो ध्यान से देखो, जैसे कि आपके पास दो लेंस है, एक तो ये लेंस हो गया और एक आपके पास इस प्रकार से ये लेंस हो गया, ये दो लेंस हो गए। इन दोनों लेंसों को आपने किस प्रकार से एडजस्ट कर रखा है, देखो ध्यान से, किस प्रकार से एडजस्ट कर रखा है, देखो इसकी जो फोकल लेंथ है वो तो कितनी हो जाएगी आपके पास F1, और या मान लो इसकी फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास F = 20 cm, और इसकी फोकल लेंथ F = कितनी हो जाएगी आपके पास है 10 cm। अब इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो ऑब्वियसली इसके फोकस पर जाकर के इस प्रकार से यहाँ पर अभिसारित होती है, यहाँ पर इसके फोकस पर जाकर के इस प्रकार से यू अभिसारित होती है, और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये इस प्रकार से इस पे जाती है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये इससे भी क्या हो जाती है, इस प्रकार से वापस समांतर निर्गत हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसका फोकस भी है
और ये इसका भी फोकस है, दोनों का फोकस हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो कितनी हो जाएगी आपके पास है 20, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी आपके पास है 10 होगी। दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है डी बराबर 20 प्लस क्या देगा आपके पास है 10 बराबर क्या देगा आपके पास है 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो दान से बांध के चलेगा, इस पुंज की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में डी, और इस पुंज की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है डी डैश हो जाएगी। तो अपन देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है थीटा बराबर डी बटे 20 बराबर क्या देगा आपके पास है डी डेस बटे 10। तो यहाँ से आपके पास में डी बराबर कितना हो जाएगा डी, या डी डेस बराबर कितना देगा आपके पास है डी बटे 2 देगा। समझ में आ गई बात है, ये चीज होगी। इसके बाद अगली चीज अपन देखते हैं ध्यान से। देखो मान के चलेगा ये अपने पास कोई लेंस है, ठीक है, और इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, या मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण वो फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये इस प्रकार से इसके फोकस से होकर के ये इसका फोकस हो गया, समझ गए। मान लो इसकी जो फोकस दूरी है ये कितनी हो जाएगी आपके पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब आपको ये बोला जा रहा है कि जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी डायरेक्शन में वापस इनको लौटाना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर अपन काम में ले सकते हैं एक, या तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से एक उत्तल लेंस लगा सकते हैं, सॉरी दर्पण लगाते हैं अपन। तो दर्पण लगाते हैं, कौन सा दर्पण लगाते हैं, इस प्रकार से अवतल दर्पण लगा दिया अपन ने, ठीक है। अगर इस प्रकार से मैंने अवतल दर्पण लगा दिया तो क्या होगा पता है, ये यू आने वाली तो यूं चली जाती, और ये यू आने वाली इस प्रकार से यूं चली जाती है, ठीक है। तो इस स्थिति में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस आपके पास में 20 ही होगी। या क्या हो सकता है देवदान से, या इस प्रकार से ये आपके पास में लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें चल रही है, और फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से फोकस होकर के गुजरती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर अपन ये वाला मिरर नहीं लगा करके ये वाला मिरर लगा दें, उत्तल दर्पण लगा दें, तो भी सीधी सी बात है ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें वो सिमेट्रिकली वापस इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब यह क्या हो सकता है देवदान से, अब मैं चाहता हूँ कि प्रकाश की किरणें वापस अपने उसी पथ को, उसी पथ का अनुसरण करें, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से ये लगा देता हूँ, ये अपने लगा दिया इस प्रकार से मिरर। अब बात सुना भी, इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसी यहाँ पर हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी मान के चलेगा ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो होता क्या है, ये वाली प्रकाश की किरण इसके शीर्ष होकर के गुजरती है, तो शीर्ष होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी पथ पर आ जाती है, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये इस प्रकार से यूं जाती है और वापस इधर की तरफ ही आ जाती है, क्योंकि शीश से गुजरने वाली प्रकाश की किरण वो दर्पण पर अविलंब तापतित होती है। तो इस स्थिति में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 20 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास है 2 × 10, और 20 प्लस 20 बराबर कितनी हो जाएगी बताओ 40 सेंटीमीटर, ये बात होगी। तो कई बार आपको ऐसे बोला जाता है कि ये जो दर्पण है और जो लेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन क्या रखें ताकि आने वाली प्रकाश की किरणें टकरा करके परावर्तित होकर के वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाए, समझ में आ गई बात है, ये चीज़।
अब जो ध्यान से आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि क्वेश्चन है आपके पास में कोई भी एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वो कितनी होगी आपके पास में 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए जो बिंब है वो रखा जाता है 30 सेंटीमीटर दूर। अपन ने एक बिंब रख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो अपने पास में एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी देगी आपके पास है 10 सेंटीमीटर देगी। तो क्वेश्चन आपका ये है कि लेंस और इस दर्पण के बीच की डिस्टेंस क्या रखी जाए ताकि बिंब और प्रतिबिंब एक दूसरे पर संपाती हो। तो लेंस तथा मिरर के मध्य की दूरी क्या होगी ताकि ऑब्जेक्ट तथा इमेज संपाती हो। तो चलो करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो सबसे पहले उत्तल लेंस है, इसके लिए अपन लिख देते हैं लेंस के लिए 1/f 20 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1/v। माइनस के लेंस के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा, 1/u, यू कितना देगा आपके पास माइनस का 30, माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस का। तो सोल्व कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास v बराबर कितना देगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो आपके पास आ गया v आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इस प्रकार से लेंस हो गया। और इस लेंस के लिए देवदान से यहां पर अपन कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और इस ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें चलती है। अब बात सुनना भी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो इसकी इमेज कहां पर बनती है इस प्रकार से 60 पर बनती है। ये 60 पर अपन ने इमेज बना दी है, ठीक है। अब देवदान से जो अवतल दर्पण है, या तो इस अवतल दर्पण को अपन कहाँ पर रखेंगे, यहीं पर रख देंगे, या तो अपन 60 पर ही रख देंगे, यहीं पर रख देंगे। तो इस स्थिति में ये जो प्रकाश की किरणें, ये इसकी ध्रुव प्राप्तित होती है, और ध्रुव प्राप्तित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करती है, सिमेट्रिकली वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी ये तो इसके रास्ते से आएगी, ये इसके रास्ते से जाएगी, तो फाइनली आपके पास में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पर प्राप्त होंगे। बट 60 तो आपको ऑप्शन में मान के इसलिए दे ही नहीं रखा है। तो फिर अपन क्या करते हैं देवदान से, फिर अपन इस प्रकार से इसको सीधा गुजार दो, इसका भी सीधा गुजार दो, ठीक है भाई। तो फिर अपन क्या करते हैं, देखो यहां पर अपन रखते हैं इस प्रकार से दर्पण। तो ये वाली जो है ये तो इस प्रकार से इधर से आ जाती है, और ये वाली जो है ये इस प्रकार से इधर से आ जाती है, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसके शीश से होकर के गुजरती है, क्योंकि शीश से गुजरने वाली प्रकाश की किरण है वही क्या करती है, अपने प्रारंभिक पथ का अनुसरण करती है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपने 60 निकाल ही दी इमेज की डिस्टेंस, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, अब इसकी फोकस दूरी कितनी भी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 20 हो जाएगी। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बताओ, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी 60 और 20 कितना हो जाएगा 80। तो बच्चों अब तक आपकी एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है फॉर्मूले प्लस चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन प्लस कॉमन सेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका सेंस अगर काम नहीं करता है तो फिर उसके बाद में फॉर्मूले वगैरह लगाते रहो, आपका आंसर कभी आना ही नहीं है। तो सही आंसर प्राप्त करने के लिए आपका जो सेंस है, कॉमन सेंस है, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हो गए, और इसी के साथ में आपका जो रे ऑप्टिक्स है उस रे ऑप्टिक्स को भी अपन फिनिश कर देते हैं। रे ऑप्टिक्स आपका फिनिश हो चुका है, इसके बाद में मॉड्यूल है वो आप सोल्व कर लो, और मॉड्यूल है उसके इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्कस करवाए जाएंगे क्लास के अंदर ही, ऑनलाइन क्लास के अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो करवा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी वास्तव में अच्छे क्वेश्चन जिनमें मेरे को लगता है कि भाई इस क्वेश्चन में बच्चे को दिक्कत आ सकती है वो क्वेश्चन आपके साथ में सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा आपको, ठीक है ना।
अब किसी बच्चे के अगर सारे क्वेश्चंस में दिक्कत है, एक से 10 तक सारे उसके डाउट है, फिर उसका तो क्या इलाज हो सकता है भाई? कोई इलाज नहीं उसका, समझ गए? तो कुछ तो भाई आपको भी करना पड़ेगा ना, सारा का सारा काम ही अगर आप टीचर से करवा लोगे तो नीट का एग्जाम टीचर को तो देना नहीं है, एग्जाम तो आपको देना है, ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट करें, और इसके बाद रे ऑप्टिक्स अपना होता है फिनिश, और फिर अपन वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं अब। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना? चैप्टर का नाम आपका वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। अब तक अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो किरण प्रकाशिकी डिस्कस कर रहे थे, और किरण प्रकाशिकी के अंदर इसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर ध्यान से देखना तो प्रकाश का जो सरल रेखीय संचरण है उसकी स्टडी की जाती है भाई। एक दिए गए माध्यम में जो प्रकाश होता है वो सरल रेखीय पथ पर संचरित होता है, एक किरण होती है वो सीधे पथ पर चलती है, टकरा करके मुड़ती है भाई, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब मुड़ती है। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण है वो अगर सीधी पथ पर चलती है तो अपन क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री की जो रूल्स है वो रूल्स अप्लाई करके आसानी से अपन अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। अब वेव ऑप्टिक्स से इसके अंदर क्या है कि जो प्रकाश की किरण होती है, जो प्रकाश की तरंग होती है, वो सीधे पथ पर नहीं चलती है, वो टकरा करके मुड़ भी सकती है। समझ में आ गई ना बात? किसी किनारे से टकरा करके मुड़ गई, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, देखो क्या क्या पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम आपका वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर सबसे पहले अपन जो प्रकाश की प्रकृति वो पढ़ेंगे, और प्रकाश की प्रकृति के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो न्यूटन का कणिकावाद या न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये होता है, एक होता है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इसी के अंदर अपन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तरंगाग्रह, उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और फिर उसके बाद में आपके साथ में शेयर करूंगा मैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। अब मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, यह प्रकाश की कौन सी प्रकृति का समर्थन करता है, तरंगीय प्रकृति का, और ये प्रकाश की कणीय प्रकृति का, और इन दोनों प्रकृतियों को अगर अपन मिला देते हैं तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति बन जाती है, द्वैत प्रकृति। इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा यहां पे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, समझ गए? तो ये तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में बातें होगी। इसके बाद उदाहरण से एक तो अपन प्रकाश का यहां पर पढ़ते हैं व्यतिकरण, ठीक है ना? किसका व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, और जो प्रकाश का व्यतिकरण है इसके अंदर अपन ध्यान से देखना, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं जिसका नाम होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर व्यतिकरण में। फिर उसके बाद में इसके अंदर अपन पढ़ेंगे विवर्तन, तो विवर्तन के अंदर अपन पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर का एकल स्लिट विवर्तन, ठीक है? और फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ध्रुवण, ध्रुवण के अंदर अपन कई सारी चीजें पढ़ते हैं, एक तो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ब्रूस्टर का नियम, मेलस का नियम पढ़ते हैं, बुस्ट का नियम पढ़ते हैं, मेलस का नियम पढ़ते हैं, मेलिस के अंदर दो ही चीजें पढ़ते हैं अपन। और फिर इस चैप्टर के अंदर अपन ध्यान से देखना, देखो प्रकाश का डोपलर प्रभाव,
ध्वनि का डोपलर प्रभाव तो 11th क्लास में वेव वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया जाता है, प्रकाश का डोपलर प्रभाव पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो प्रकाशिक उपकरण है प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन सीमा व विभेदन क्षमता। ये अपनी इस पूरे चैप्टर की प्लानिंग रहने वाली है अभी, समझ गए? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। देखो होता क्या है, देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन। इस वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश होता है वो असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में संचरित होता है। अलग अलग रंगों की जो कणिकाएं होती है वो अलग अलग आकार की होती है, और ये कणिकाएं सरल रेखीय पथ पर प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। ठीक है, वास्तव में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने का सबसे पहला प्रयास किया था। इस कारण से न्यूटन का नाम आज भी लिया जाता है, आज भी न्यूटन को पढ़ा जाता है, बट उसने गलत बातें की तो इतनी देर के लिए उसको अपन पढ़ेंगे। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत यहाँ पे हो गया फेल। ठीक है, अब सुनो भी, इसके बाद में आता है हाइगेन। हाइगेन का तरंग सिद्धांत ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है, तो सबसे पहले डायरेक्टली अपन पढ़ते हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है भाई ये बातें। हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ठीक है, इसने बताया कि प्रकाश होता है वो संचरित होता है तरंगों के रूप में। किसके रूप में? तरंगों के रूप में। और ये तरंगे होती है वो कैसी होती है भी? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। तो ध्यान से देखना, देखो उसने बताया कि जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में संचरित होता है भाई? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरित होता है। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरित होता है, समझ गए? यांत्रिक तरंगों का मतलब हो गया कि इन तरंगों को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताओ? माध्यम की आवश्यकता। जब इसको बोला गया कि बता भैया यांत्रिक कैसे बोला, तो उसने बोला कि माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फिर बोला गया कि कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाइगेन ने बताया कि इन तरंगों को संचरित होने के लिए इथर नाम के एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सा माध्यम होता है? माध्यम कौन सा होता है अभी? इस माध्यम का नाम होता है इथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो इथर नहीं, ये दूसरा इथर होता है। अब पूछा गया इथर कैसा होता है? इथर होता है अल्फ घनत्व का होता है, ये प्रत्यास्थ होता है, और फिर उसके बाद ये कैसा होता है? सर्वव्यापी होता है। ठीक है, इसके बाद में सुनो ध्यान से देखना, देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेनल। इस फ्रेनल ने खोज की किसकी? ध्रुवण की। उसने प्रकाशीय तरंगों का ध्रुवण करके बता दिया, पर अपन जानते हैं कि ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही पॉसिबल है, तो अनुदीर्घ तरंगों का तो ध्रुवण होता नहीं, तो प्रकाश का ध्रुवण करवा दिया। तो उसने बोला कि ये अनुदीर्घ तरंगे होती, अनुदीर्घ तरंगे होगी गलत, जो प्रकाश है इसका ध्यान से देखना, देखो इसका ध्रुवण पॉसिबल होता है, इसका मतलब ये अनुदीर्घ नहीं होती। ये कैसी होती है? ये प्रकाश होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं होता है, ये कैसा होता है? ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में ही पाया जाता है। एक तो ये बात होगी। माइकेलसन तथा मोरले नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने खूब कोशिश की इस इथर माध्यम की उपस्थिति का पता लगाने की, बट सब जगह उनको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इसके परिणाम स्वरूप अपन बोल सकते हैं कि वास्तव में इथर जैसा कोई माध्यम मौजूद नहीं होता।
और आज भी अपन यही बोलते हैं कि प्रकाश होता है वो निर्वात में भी संचरित हो सकता है। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो माइकेलसन मॉर्ले ने बताया कि ईथर जैसी कोई चीज होती नहीं है, प्रकाश तो निर्वात में ही संचरित होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो यांत्रिक वाली बात है ना, ये भी क्या हो गई, गलत। अब बात सुना, भी अनुदैर्ध्य वाली बात भी गलत हो गई। अनुदैर्ध्य वाली बात भी क्या होगी, गलत। यांत्रिक वाली बात भी गलत होगी। बट ध्यान से देखना, देखो ये जो तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये वाली बात इसकी ठीक थी। और इसके साथ साथ में उसने तरंगाग्र के बारे में भी बताया और द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में भी बताया। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसीलिए बेसिकली हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है वो डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार इन चीज़ों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बारे में चलो आपको बताता हूँ मैं। तो देखो ध्यान से, तरंगाग्र बोले तो इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। अब देखो ध्यान से, ये होता क्या है। देखो कोई भी जो प्रकाश स्रोत होता है वो क्या करता है, सभी डायरेक्शन में प्रकाश भेजता है, सभी दिशाओं में ऊर्जा भेजता है। और जैसे जैसे पार्टिकल्स को ऊर्जा प्राप्त होती जाती है, वो क्या करते हैं, अभी वाइब्रेशन स्टार्ट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। जिसको पहले एनर्जी मिलती है वो पहले वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, जिसको बाद में ऊर्जा मिलती है बाद में वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब बात सुना भी, किसी भी समांगी माध्यम में, किसी होमोजेनस मीडियम में, किसी प्रकाश स्रोत से बराबर दूरी पर स्थित जो पॉइंट्स होते हैं वो तो एक समान समय पर ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिससे सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक समान समय पर कंपन करेंगे। तो इन सब के कंपन की कला होती है वो क्या होती है, समान होती है। समान कला में कंपन करने वाले इन बिंदुओं का जो बिंदुफत है वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र क्या होता है भाई, समान कला में कंपन कर रहे बिंदुओं का बिंदुपथ, ठीक है भाई। अब दो दंश है, जैसे मान के इसलिए आपके पास कोई बिंदु आकार का प्रकाश स्रोत है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु स्रोत की। अपन बात करते हैं तो बिंदु स्रोत के लिए जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से गोलीय होता है। ये तो आपके पास है, इस प्रकार से प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रकाश स्रोत होता है वो सभी डायरेक्शन में इस प्रकार से लाइट भेजता है, इधर भी प्रकाश जा रहा 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 है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, और इस प्रकार से इधर की तरफ भी प्रकाश जा रहा है। सभी डायरेक्शन में जो लाइट होती है वो इस प्रकार से यू जा रही है, ठीक है भाई। ये तरंगे हो गई। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, या ये जो भी पथ है, इसके सभी बिंदु, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इससे समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इन सब के कंपन की कला क्या होती है, समान होती है। तो इस कारण से इस पथ को अपन क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। ये तो आपके पास में प्रकाश स्रोत होगा, इसको अपन लिख देंगे एस, और ये आपके पास में क्या हो जाएगी, तरंग। और ये क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास है तरंगाग्र, ये तरंगाग्र हो गया। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि ये जो तरंग हो गई, ये तरंगाग्र हो गया। इस तरंग तरंगाग्र पर अपन क्या करते हैं, स्पर्शिका खींचते हैं, ये स्पर्शिका होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो याद रखना, ये तरंगाग्र कैसा होता है, ये होता है आपके पास गोलीय होता है, और तरंग लंबवत होती है किसके, बताओ, तरंगाग्र के। ये तो हो गया आपका बिंदु स्रोत। अब इस बिंदु स्रोत के लिए अपन जानते हैं कि भाई, अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है, तीव्रता, तीव्रता होती है आपके पास आई बराबर कितना होता है आपके पास, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ई बटे टी को अपन क्या बोलते हैं, पी, तो पी बटे ए हो जाएगा। तो
इसके लिए, और अपन जानते हैं कि जो आई होता है वो आई बराबर कितना होता है आपके पास है, के ए स्क्वायर होता है। ए क्या होता है यहाँ पर आपका आयाम होता है, क्या होता है आयाम होता है। और यहाँ पर जो एरिया, इस एरिया को अपन क्या लिख देते हैं एस लिख देते हैं, क्योंकि ए तो आयाम हो गया ना, तो पी अपॉन एस हो जाएगा। तो एस क्या होता है अभी, ये होता है आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अपन जानते हैं कि आई बराबर कितना हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए, पी बटे एरिया। और गोले का एरिया कितना होता है, गोले का एरिया, गोले का एरिया होता है आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद में तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास 1 बटे आर स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास में आर हो जाएगा। अभी समझ गए, बिंदु स्रोत के बाद में अगली अपन बात करते हैं कि इसकी रेखीय स्रोत की बात करते हैं। तो कोई भी आपके पास हो जो रेखीय स्रोत होता है, इस रेखीय स्रोत के लिए ध्यान से देखना, तरंगाग्र कैसा होता है, बेलनाकार होता है। जैसे मान के चलेगा ये आपके पास हो कोई भी बेलन हो गया, ये आपके पास है बेलन हो गया, और अब ध्यान से देखना, तो यहां पर जो प्रकाश स्रोत होता है वो प्रकाश स्रोत अपन किस प्रकार का बनाएंगे, भी ऐसा प्रकाश स्रोत हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रकाश स्रोत, रेखीय आकृति का होता है। ये तो देगा आपके पास है प्रकाश स्रोत। अब इस प्रकाश स्रोत से सभी डायरेक्शन में तरंगें चलती है, तरंग इस प्रकार से इधर की तरफ जाती है, तरंग इस प्रकार से इधर की तरफ जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर की तरफ इस प्रकार से जाती है। तो सभी डायरेक्शन में इस प्रकार से तरंगें जाती है। यहाँ पर भी तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के क्या होते हैं, भी लंबवत होते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से देखना, देखो तो यहाँ पर इसका जो तरंगाग्र है वो कैसा होता है बताओ, ये होता है बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। तो अपन जानते हैं कि आई बराबर कितना होता है आपके पास में, पी बटे एरिया। एरिया को अपन एस से लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पी का तो पी हो जाएगा, पी पावर होती है यहाँ पे शक्ति। और एरिया कितना देगा आपके पास में, 2 पाई आर इंटू एल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास आर, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास रूट ऑफ आर हो जाएगा। भी समझ गए बात को आप, ये बात होगी। और रेखीय स्रोत के बाद में कोई भी आपके पास में स्रोत होगा जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर स्थित है, तो अनंत दूरी पर आपके पास है, चाहे बिंदु स्रोत है चाहे आपके पास है रेखीय स्रोत है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर स्रोत रखा हुआ है तो या तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा या बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। अब गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र का एक बहुत छोटा सा भाग अपन देख पाएंगे। मान लो इतना छोटा सा भाग है, यहाँ पर छोटा सा भाग अगर मैं इसका देखता हूँ, यहाँ पर मान के चलिए अगर कोई आदमी अगर खड़ा है इस प्रकार से, यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, तो इस आदमी को ये कैसा दिखाई देगा, भाई समतल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, समतल। तो इसको अपन बोलेंगे दूरस्थ स्रोत के लिए आने वाली जो तरंगे होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। तो इस प्रकार से समांतर तरंगे आ रही है, ठीक है, तो ये तरंगे समांतर आ रही इस प्रकार से यूं। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर जो तरंगाग्र बन रहा है ये तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, अभी समतल हो जाएगा। यह समतल हो जाएगा तरंगाग्र, और ये आपके पास है क्या देगी, तरंग हो जाएगी। तो यहां पर इसके आई बराबर क्या होता है आपके पास है, कांस्टेंट। तो आयाम है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
ना तो आई है वो आर पे डिपेंड करता है, नहीं आपका जो आयाम है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये दूरस्थ स्रोत हो गया, इसके लिए हो गया अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि तरंगाग्रह होता क्या है। बेसिकली तरंगें होती है, उनसे तरंगाग्रह का निर्माण होता है। समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ है वही क्या कहलाता है, तरंगाग्रह कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो ये क्या होता है देखो, तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से, क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई भी प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से सभी डायरेक्शन में तरंगें चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, सब डायरेक्शन चलती है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये भी तरंगाग्रह बन जाएगा, इस प्रकार से ये भी तरंगाग्रह हो गया, ये भी तरंगाग्रह हो गया, ये भी तरंगाग्रह हो गया। तो ये तो आपके पास हो गया मुख्य स्रोत, ठीक है, और ये आपके पास हो गया तरंगाग्रह। और बच्चों इस तरंगाग्रह का नाम होता है प्राथमिक तरंगाग्रह। इस तरंगाग्रह को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंगाग्रह हो गया ये, ठीक है, ये प्राथमिक तरंगाग्रह हो गया। अब इस प्राथमिक तरंगाग्रह का ध्यान से देखना, तो ये वाला पॉइंट है, इसका ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, ये एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, ये भी खुद भी एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं भाई, यानी खुद भी क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। समझ गए बात को आप, तो ध्यान से देखना, तो ये भी क्या करता है, इस प्रकार से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो इससे प्रकाश चारों तरफ जाता है, तो इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये बना दिया, इसके लिए भी ये बना दिया, सबको सेंटर बना करके इस प्रकार से अपन ने गोले बना दिए। ये जो अपन गोले बना रहे हैं ये क्या होती है, द्वितीयक तरंगिकाएं होती है। बेसिकली होता क्या, ध्यान से देखना, देखो देखो इससे जो प्रकाश है वो इस प्रकार से इधर भी जाता है, 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 सब डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि हाइगेंस बोलता है कि प्रत्येक बिंदु वो भी एक प्रकाश स्रोत की तरह ट्रीट करने लग गया अब। ठीक है, ये बात होगी, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, द्वितीयक तरंगिकाएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे वाले प्रश्न पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सबके आगे की तरफ अगर अपन स्पर्शरेखा बना देते हैं, आगे की तरफ अपन इस प्रकार से स्पर्शरेखा बना दी, तो इस प्रकार से फिर से एक तरंगाग्रह निर्मित हो जाता है, और इस तरंगाग्रह को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्रह, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्रह। समझ गए बात को आप, तो क्या मतलब निकला, ध्यान से देखना, देखो अगर अपन ने ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे की तरफ अगर अपन ने स्पर्शरेखाएं बना दी, तो इससे जो तरंगाग्रह डेवलप होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्रह बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं भी। समझ गए बात को आप। अब देखो ध्यान से, जिस प्रकार से किरण का अपवर्तन या परावर्तन होता है उसी प्रकार से तरंग का भी अपवर्तन या परावर्तन होता है, तो अपवर्तित या परावर्तित तरंगाग्रह वो अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो तरंगाग्रह का अपवर्तन या परावर्तन, देखो ध्यान से,
देखो इस प्रकार से कोई भी ये अवतल दर्पण हो गया आपके पास में, और इस पर इस प्रकार से यूं तरंगे जा रही है, समांतर है, तो यहां पर जो तरंगाग्र इस तरंगाग्र की आकृति कैसे हो जाएगी, भी समतल हो जाएगी, इसे समतल तरंगाग्र हो गया। ठीक है, भी तरंगाग्र कैसा था, समतल था, ये समतल था। अब ये भी क्या होती है, इससे अपवर्तित होती है, अपवर्तित होकर इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ती है, ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर के ये फोकस होती है, यहां पर ये भी इस प्रकार से तरंगाग्र बन चुका है और ये भी इस प्रकार से तरंगाग्र बन चुका है। तो यहां पर जो समतल तरंगाग्र था ये कैसे तरंगाग्र के अंदर कन्वर्ट हो गया बताओ, गोलीय तरंगाग्र के अंदर कन्वर्ट हो गया। समझ गए बात को आप, ये इसका फोकस है। अब इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलते कि आपके पास में कोई लेंस है और इस लेंस पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। ये समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं, आपतित तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, भी समतल, और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ जाती है और ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ मुड़ जाती है। यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा, और ये जो तरंगाग्र वो तरंगाग्र कैसा बन जाएगा बताओ, गोलीय तरंगाग्र बन जाएगा। इसको अपन बोल देंगे गोलीय तरंगाग्र बोल देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर ये अवतल लेंस होता तो फिर उसके बाद वो इससे भी क्या बन जाता, गोली तरंगाग्र बन जाता, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन बात करते हैं प्रिज्म की, बात करते हैं। ये जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई पतला प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं, ये तरंगाग्र हो गया। अब ये इस प्रकार से अपवर्तित होकर के इधर की तरफ जाती है, ये इस प्रकार से इधर की तरफ जाती है, फिर ये इधर मुड़ जाती है, ये इधर मुड़ जाती है। तो यहां पर ये जो तरंगाग्र था वो कैसा था बताओ, समतल था, और ये वाला जो तरंगाग्र है वो भी कैसा, भी इस प्रकार से समतल है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, इस प्रकार से चेंज हो जाती है। समतल को यह समतल तरंगाग्र के अंदर ही रखता है बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। समझ में आ गई बात है। तो इस प्रकार से अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा किस प्रकार से एक प्रकार के तरंगाग्र को दूसरे प्रकार के तरंगाग्र में रूपांतरित किया जाता है, ये मैंने आपको बता दी। और किसी एक तरंगाग्र की अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो अपन कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। समझ में आ गई बात है। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करें और फिर उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं अभी। चलिए बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, कोई भी समतल तरंगाग्र एक बार तो परावर्तक सतह पर अपन आपतित करवाएंगे, एक बार अपन अपवर्तक सतह पर आपतित करवाते हैं, तो देखिए क्या क्या होता है। तो देखो ध्यान से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई परावर्तक सतह है, और इस परावर्तक सतह पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक समतल तरंगाग्र आपतित करवाते हैं। ये इस प्रकार से एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो ये तो आपके पास वन हो जाएगी, ये आपके पास टू हो जाएगी, ये दो तरंगे। और फिर उसके बाद में देखो, जैसे आपके पास ये वाला पॉइंट है
और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, इस प्रकार से यू आ रही है, दोनों पॉइंट को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या बन जाएगा, इस प्रकार से तरंगाग्र बन जाएगा। और इस तरंगाग्र का नाम क्या हो जाएगा, इस तरंगाग्र का नाम हो जाएगा आपके पास ए बी, ए ये आपके पास बी हो गया। तो यहाँ पर आपका जो ए बी, इस ए बी को अपन क्या बोलते हैं, आपतित तरंगाग्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित तरंगाग्र। तो ए बी इसको अपन बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। इसके बाद में ये तरंगाग्र यहां पर आपतित होता है, यहां पर मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से विलंब का निर्माण कर देता हूं, ठीक है, यहां पर भी इस प्रकार से विलंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो तरंग है ये यहां से इस प्रकार से टकराती है और परावर्तित होकर इस प्रकार से इधर की तरफ यूं मुड़ जाती है, और ये भी टकरा करके इस प्रकार से यूं इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, जब ये बी से कहां पर पहुंचते हैं, इस प्रकार से ये ए हो गया, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार से ए डैश बोलेंगे। जितनी देर में ये बी से ए डैश तक पहुंचते उतनी देर में ये ए से कहां तक पहुंच जाती है, इस प्रकार से बी डैश तक पहुंच जाती है, इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो यहां पर ए डैश बी डैश को अपन क्या बोल सकते हैं, परावर्तित तरंगाग्र बोल देंगे। तो ए डैश बी डैश, तो ये आपके पास है परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है ना, ये परावर्तित तरंगाग्र बन जाएगा। अब यहां पर दोनों से बी से ए डैश की डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, ए से बी डैश की डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगी, इसको अपन किसके बराबर लिख देंगे, सी टी के बराबर लिख देंगे। यहाँ पे सी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज होगी। इसके बाद देखना ध्यान से देखो, यहाँ पर अभिलंब के साथ में ये जो आपतित तरंग है इसका कोण क्या कहलाता है, आई, ये आई हो गया, ये अगर आई हो गया तो इस एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, 90 माइनस आई। तो फिर उसके बाद ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास बताओ, ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा आई हो जाएगा, इस वाले एंगल को भी अपन क्या बोल देंगे, इस प्रकार से आई बोल देंगे। अभिलंब के साथ में जो परावर्तित है इसका जो कोण है इसको अपन क्या कहते हैं, अभी आर बोलते हैं, तो ये आपके पास 90 माइनस आर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये वापस आपके पास में क्या बन जाएगा, इस प्रकार से आर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास है दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है इसका नाम हो जाएगा ए बी ए डैश, तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश, वह एक आपके पास में त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार से, इसको अपन बोल देंगे ए बी डैश ए डैश, तो ए बी डैश ए डैश, इन दोनों की अपन बात करते हैं। यहाँ पे दो दस है, ये तरंग हो गई, ये तरंगाग्र होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में 90 हो जाएगा, क्योंकि तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अपन बोल देंगे कि दोनों के अंदर जो कोण एंगल हो जाएगा आपके पास ए बी ए डैश बराबर, ये आपके पास हो जाएगा ए बी डैश ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ये एंगल बराबर हो गया, समझ गए बात को आप। और फिर उसके बाद में एक बात अपन और बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए ए डैश हो जाएगा, ये दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो जाएगी भुजा, तो ए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में से बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, ए बी डैश हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास सी टी, ये डिस्टेंस भी बराबर होगी। अब बात सुना भाई, ये साइड सेम, ये एंगल सेम, ये साइड सेम, तो यहाँ पर अपन एस ए एस रूल लगा देंगे सर्वांग समता का, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो त्रिभुज ए बी ए डैश है वो सर्वांग सम हो जाएगा, किसके, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। तो इस कारण से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और यही हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो गई। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या,
ध्यान से, इस प्रकार से ये अपवर्तक सतह होगी, इसके ऊपर तो कौन सा माध्यम हो जाएगा, फिर पहला माध्यम, नीचे कौन सा माध्यम हो जाएगा, दूसरा माध्यम। तो पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या देगा आपके पास है म्यू वन, बराबर क्या देगा आपके पास है सी बटे वी वन, और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है म्यू टू, बराबर क्या देगा आपके पास है सी बटे वी टू देगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है, ये कोई भी इस प्रकार से एक तरंगाग्र आपतित होता है, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे वन, इसको अपन क्या बोलेंगे टू बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में देखो ध्यान से, यहां पर ये तो पॉइंट हो जाएगा आपके पास ए, और यहां पर इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, इससे अपन इस पर इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर देते हैं, तो ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा बी। तो यहां पर आपके पास जो ए बी है, इस ए बी को अपन क्या बोलते हैं, आपतित तरंगाग्र, क्योंकि बिंदु ए और बिंदु बी इन दोनों को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो इन दोनों के कंपन की कला भी समान हो जाएगी, तो ए बी को अपन क्या बोल सकते हैं, आपतित तरंगाग्र बोल सकते हैं। इसके बाद इस ए पर भी अपन क्या करते हैं, अभिलंब का निर्माण कर देते हैं, और इस बी पर भी अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से अभिलंब का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद यहां पर जो ए है वो अपवर्तित होकर के इस प्रकार से इधर की तरफ, और बी इस प्रकार से अपवर्तित होकर के इधर की तरफ आ जाता है। तो यहां पे वन को अपन क्या बोलेंगे, वन डेज, और टू को अपन यहां पर क्या बोलेंगे, टू डेज बोलेंगे। यहां पर भी ये जो वन है इसको अपन क्या बोलेंगे, वन डेज, और टू को अपन क्या बोलेंगे, टू डेज बोलेंगे। वन डेज और टू डेज क्या हो जाएगी, परावर्तित तरंगे हो जाएगी। यहां पर आपके पास वन डेज और टू डेज, ये दोनों क्या हो जाएगी बताओ, इनको अपन बोलेंगे अपवर्तित तरंगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तित तरंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखो, यहां पे ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास आई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल क्या देगा आपके पास आई हो जाएगा। अब जो ध्यान से, ए और बी पर तो दोनों तरंगे एक समान समय पर पहुंचती है, जितनी देर में ये इस प्रकार से ए से कहां तक पहुंचती है, इस प्रकार से ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, इसके बाद इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए डेस बोल देंगे, और इसको अपन क्या बोल देंगे, बी डेस बोल देंगे। जितनी देर में ये ए से बी डेस तक पहुंचते हैं, उतनी देर में ये बी से ए डेस तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे ए डेस और बी डेस इन दोनों को भी एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, तो ये भी आपके पास एक तरंगाग्र बन जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं ए डेस बी डेस बराबर, इसका नाम हो जाएगा आपके पास अपवर्तित तरंगाग्र। अब यहां पर आपके पास में से बी से ए डेस की डिस्टेंस बराबर क्या देगा आपके पास में वी वन टी, और ए से बी डेस की डिस्टेंस बराबर क्या देगा आपके पास में वी टू टी, ठीक है ना। तो बी ए डेस बराबर वी वन टी, और ए बी डेस बराबर क्या देगा आपके पास में वी टू टी हो जाएगा। अब यहां पर अभिलंब के साथ में अपवर्तित किरण का ये वाला जो कोण है ये क्या देगा आपके पास आर, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या देगा आपके पास में आर हो जाएगा। समझ गए बात को आप। अब ये जो दोनों आपके पास में ट्राइंगल्स है, इन दोनों ट्राइंगल से अपन लिख सकते हैं कि साइन आई, साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना देगा आपके पास में बताओ बी ए डेस, और बटे कर्ण कितना देगा आपके पास ए ए डेस, और इसी प्रकार से साइन आर, साइन आर बराबर कितना देगा आपके पास बताओ ए बी डेस अपॉन क्या देगा आपके पास ए ए डेस, ठीक है ना। और यहां पर आपके पास जो बी ए डेस है, इस बी ए डेस को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये रहा वी वन टी, तो इसको अपन बोलेंगे वी वन टी अपॉन क्या देगा आपके पास ए ए डेस, ये आपके पास वी टू टी अपॉन क्या देगा आपके पास ए ए डेस हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों को अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या देगा आपके पास वी वन अपॉन वी टू, और बराबर क्या देगा आपके पास म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये मैं आपको रिओप्टिक्स के अंदर बता चुका हूँ, और ये आपके पास स्नेल का नियम हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपन ने अपवर्तन की भी व्याख्या कर दी है। तो बच्चों इसी के साथ में आपका जो तरंगाग्र ये फिनिश होता है, ठीक है ना। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या है वो कंप्लीट होती है, और फिर उसके बाद में इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 7 है वो भी फिनिश होता है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।